नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ई लेक्चर 10, ई कंटेंट 10, ये आज का हमारा ई कंटेंट, वो 10 नंबर का ई कंटेंट है। और टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, क्वेश्चन नंबर 4। आज हम बीकॉम पार्ट 3, एबीएसटी पेपर 1, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज जो चैप्टर है उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है नंबर 4, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपको इसका आंसर किस प्रकार आपको तैयार करना है, इसका सल्यूशन है वो किस प्रकार तैयार आपको करना है वो आपको बताएंगे। मैं चाहूँगा कि आप भी इसी के जो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए तो आपके ज़्यादा समझ में ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आप बैठिए और बुक पेन लेके, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है और बैलेंस शीट है वो है अशोक लिमिटेड की। एस एट 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड इज एज फॉलोज। 31 मार्च 2019 को अशोक लिमिटेड का जो चिट्ठा है वो आपको दिया गया है जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में फर्स्ट जो हमारा आइटम्स है वो है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में हम बात करें तो हमारा आएगी शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल जिसमें दी हुई है ऑथराइज्ड इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 1,10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप 11 लाख आपकी कैपिटल हो गई इक्विटी शेयर। 6,007% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1,000 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप 6 लाख आपके हो गई है प्रेफरेंस शेयर। बी जो पॉइंट आपका दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या इसका दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000 का आपको नेगेटिव बैलेंस में शो कर रखा है। इसका मतलब कंपनी है वो लगातार घाटे में चल रही है और जिसका लॉस है वो 3,50,000 रुपये का हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में सेकंड जो पॉइंट है वो आपका दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 1,50,000 रुपये का। ये हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड्स। सेकंड जो हमको दिया हुआ है वो है करंट लाइबिलिटी, जिसमें ट्रेड्स पेबल, ट्रेड्स पेबल में सेंडरी क्रेडिटर्स 1,70,000 1,70,000। इसका टोटल जब हम करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 60,70,000 16,70,000 रुपये का हमारा टोटल आएगा। असेट साइड की तरफ चलें तो इसमें नॉन करंट असेट्स जो फर्स्ट हमारा है में ए पॉइंट है उसमें फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल, टेंजिबल की बात करें तो इसमें बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग दे रखी है आपको और मशीनरी का अमाउंट आपको इसमें साथ दे रखा है। बिल्डिंग की बात करें तो 4,50,000 और मशीनरी की बात करें तो 8,20,000 4,50,000 बिल्डिंग्स एंड मशीनरी 8,20,000
thousands. Intangible assets की बात करें तो goodwill show कर रखी है 1,20,000. अदर नॉन करंट असेट्स में इस शेयर इश्यू एक्सपेंसेज 10,10,000 एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 40,000. नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है ये करंट असेट्स. करंट असेट्स में ए पॉइंट है वो है इन्वेंट्री का, जिसमें स्टॉक इन ट्रेड है 1,40,000 एंड ट्रेड रिसीवल जिसमें सैलरी डेटर्स 60,000 एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक आपको दिया है 30,000, 30,000 रुपये का दे रखा है. तो टोटल इसका भी करेंगे तो 16,70,000 रुपये आपका टोटल आएगा. दोनों का टोटल इक्वल है, यह आपको बैलेंस शीट मैंने आपको बताई है. अब हम चलते हैं इसकी योजना क्या बनाई गई है. ये देखिए योजना ये बनाई गई है कि पूर्वाधिकार अंशों का विगत 2 वर्षों का लाभांश बकाया है. पूर्वाधिकार जो अंश है उसका 2 वर्षों से लाभांश है वो बकाया है. पूर्व पुनर्निर्माण की निम्नलिखित योजना स्वीकृत की गई है. स्वीकृत क्या किया गया है कि पूर्वाधिकार अंशों को 80 रुपये तक तथा इक्विटी अंशों को 5 रुपये तक पूर्ण प्रदत्त घटा दिया जाए. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 100 रुपीज का शेयर है उसको 80 रुपये तक घटाना है और इक्विटी शेयर जो 10 रुपीज़ का शेयर है उसको 5 रुपये तक आपको घटाना है. पूर्वाधिकार अंश लाभांश की बकाया राशि ग्रोस के प्रत्येक 10 रुपये के लिए 5 रुपये वाला एक इक्विटी अंश निर्गमित किया जाएगा. प्रत्येक 10 रुपये के लिए 5 रुपये वाला एक शेयर आपको इश्यू करना है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स और जो पॉइंट्स में है ख्याति अंशों के निर्गमन पर बट्टा लाभ हानि के विवरण का ऋणात्मक शेष तथा अंशों के निर्गमन पर व्यय को आपको क्या करना है राइट ऑफ करना है. और मशीनरी का जो अमाउंट था उसको 1,30,000 रुपये से राइट ऑफ करना है. अधिकृत पूंजी अंश पूंजी को उसकी मूल राशि पर रखा जाए. अधिकृत जो अंश पूंजी है उसको उसकी मूल जो राशि है उसी पर रखना है और इसके लिए आपको क्या करना है जनरल प्रिविटी स्पष्ट यह देनी है और आपको रिवाइज्ड जो बैलेंस शीट है वो तैयार करनी है. दो ही चीज़ आपको इसमें करनी है, एक तो आपको जनरल प्रिविटी देनी है जो आपको ये संशोधन करने हैं वो और उसके बाद में संशोधित बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. ये देखिए इसमें दिया हुआ है जर्नल ऑफ अशोक लिमिटेड. हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमारी जर्नल बुक है उसमें लिखेंगे जर्नल ऑफ अशोक लिमिटेड और डेट पर्टिकुलर एलप और अमाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होंगे हमारी जर्नल बुक में. तो हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. हमारा जो प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपीज़ का तो RS 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR की बात करें तो हमारा टोटल था 6,00,000 रुपये का जो अब कितना रह गया है अब हमारा रह गया 4,80,000 का. 6,000 नंबर ऑफ शेयर है आपके 6,000 और 80 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000 रुपये आएंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. तो हमारी जनरल पुष्टि क्या होगी RS 100 रुपीज़ 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR 6,00,000 टू RS 80 रुपये 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4,20,000 रुपये और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,20,000 रुपये. इस प्रकार हम जो अंश पूंजी है प्रेफरेंस शेयर उसको कम कर देंगे 80 रुपये में चेंज कर देंगे 100 रुपीज़ वाले शेयर को. नेक्स्ट हम चलते हैं इक्विटी शेयर. तो RS 10 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है 11,00,000 अमाउंट आपको दिया हुआ है.
अब हम करेंगे 2 RS 5 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया कैपिटल अकाउंट 550,000 और रिमेनिंग बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 550,000। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 550,000 और 550,000 11,00,000। तो इस प्रकार हमने इक्विटी शेयर का भी जो मूल्य था उसको कम करके 5 रुपये वाले शेयर को बना दिया है। नेक्स्ट हम बात करें सिक्योरिटी जो प्रीमियम है उसको अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो हमारी जनरल प्रिस्टी क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन हमारा जो अमाउंट था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब हमारे पास टोटल जो बैलेंस है वो है 480,000 550,000 और 150,000। इस प्रकार हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस है वो आ जाएगा losses हैं उनको राइट ऑफ करना है। इस बैलेंस जो जितना बैलेंस तीन जनरल प्लस टू के माध्यम से हमने क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो 2 ईयर का एरियर ऑफ डिविडेंड था प्रेफरेंस शेयर का उसके बारे में हमें जनरल पुष्टि करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम प्रेफरेंस शेयर के लिए फंड्स कहाँ से लेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से फंड लेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए छः लाख हमारी कैपिटल है और 6,00,000 का जो हमारा 7% है हमारा प्रॉफिट, तो 7% से 6,00,000 का अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर का हमारा टोटल आएगा 42,000 और 2 ईयर का हमारा हो गया 42,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 हमारा अमाउंट होगा डिविडेंड का। अब वो हमारा क्वेश्चन है वो क्या करना चाह रहा है कि पूर्वाधिकार अंश की लाभांश की बकाया हमारी टोटल अमाउंट हो गया 84,000 रुपये के प्रत्येक 10 रुपये के लिए 5 रुपये वाला एक इक्विटी अंश निगमित किया जाएगा। 10 रुपये के बदले हम क्या करेंगे 5 रुपये वाला एक शेयर देंगे, तो इसका मतलब होगा हमें 1 ईयर का ही जो है वो अमाउंट अरेंज करना है। तो वो अमाउंट हमारा कितना हो गया 42,000 रुपये हमारा अमाउंट अरेंज हो गया है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 42,000 एंड 42,000। अब हम इसको देने की एंट्री करेंगे डिविडेंड वो हम चुकाएंगे इक्विटी शेयर में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसको इश्यू करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR 42,000 रुपये से और टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी हमारा हो जाएगा 42,000 रुपये से। नंबर ऑफ शेयर आएंगे आपके पास 8,400 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ईच, ये हमारा जो डिविडेंड है उसका पेमेंट हमने कर दिया। अब जो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR 7,78,000 रुपये। 7,78,000 रुपये आपका रिमेनिंग बैलेंस था 42,000 को लेस करने के बाद, जिसमें हम राइट अप करेंगे गुडविल 1,20,000 रुपये से, टू प्रिमररी एक्सपेंसेस 30,000 रुपये से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 20,000 रुपये से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000 रुपये से और मशीनरी अमाउंट आपको कितना करना है 1,30,000 रुपये से आपको मशीनरी का अमाउंट है वो राइट ऑफ करना है। रिमेनिंग बैलेंस जो हमारे पास बचेगा उसको हम काम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और जो नरेशन होगा वो हमारा क्या होगा
लॉसेस राइट ऑफ एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड। लॉसेस जो हमारे थे उसको हमने राइट ऑफ कर दिया है और बैलेंस जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब हम चलते हैं हमारी बैलेंस शीट की तरफ, जो हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट होगी उसकी तरफ हम चलते हैं। तो देखिए कि जो हमारी कैपिटल थी ऑथराइज्ड कैपिटल उसको हमें सेम टू सेम कैपिटल रखना है। कैसा रखना है? सेम टू सेम कैपिटल इसको रखना है और इसको चेंज हमें नहीं करना है। तो देखिए कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर हमारा 11 लाख है और प्रेफरेंस शेयर हमारा है 6 लाख का। तो हमने जनरल एंट्री कहाँ से की है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट नंबर हमारा जो आएगा ए पॉइंट वो आएगा शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल हम शो करेंगे। और ऑथराइज्ड कैपिटल शो करेंगे तो हमारी ऑथराइज्ड जो कैपिटल थी वो 11 लाख का हमारा अमाउंट था, लेकिन शेयर की जो वैल्यू है वो हमने कम कर दी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर की संख्या हम बढ़ा देंगे, तो 11 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 2,20,000, 2,20,000 का हमारा जो नंबर ऑफ शेयर है वो हो जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारे प्रेफरेंस शेयर थे वो कैपिटल हमारी 6 लाख की है, लेकिन पहले 100 के स्थान पर हमने रुपए कर दिया है 80 रुपीज़। तो 6 लाख में हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 7,500 हमारे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे ऑथराइज कैपिटल में। अब हम बात करेंगे इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल। तो इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल जो हमारी जनरल एंट्री में आएगी 6,007% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 18 रुपीज फुली पेड अप, 4,80,000 आ जाएंगे। और अब हमारे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो कितने आ जाएंगे? 1,18,400, क्योंकि हमने 8,400 शेयर आपको इशू किए हुए हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के लिए। और 1,10,000 हमारे शेयर थे वो हमारे पहले थे, तो 1,18,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो जो नंबर आएगा वो आएगा 5,92,000 रुपये। एंड बी जो पॉइंट हमारा होगा रिजर्व एंड सरप्लस का, जिसमें हमने 1,28,000 का अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया है। और इसके सेकंड जो पार्ट में चलते हैं वो आता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा एक अमाउंट दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में हमारा हम शो करेंगे सेंडरी क्रेडिटर्स, जो हमारा अमाउंट होगा वो 1,70,000 रुपये का। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो 13,70,000 हमारा टोटल आएगा लाइबिलिटी साइड में। अब हम चलते हैं असेट साइड में। असेट साइड में देखें तो हमारी असेट्स है, फिक्स असेट्स है, जिसमें बिल्डिंग एंड मशीनरी दिखा रखी है। तो हम बिल्डिंग एंड मशीनरी को शो करेंगे तो हमारा देखिए बिल्डिंग हमारी 4,50,000 रुपये है, इसमें देखिए 4,50,000। मशीनरी का हमारा अमाउंट दे रखा है 8,20,000, लेकिन हमने इसमें से 1,30,000 का अमाउंट क्या कर दिया है, कम कर दिया। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा रहेगा 6,90,000 रुपये। गुडविल को हम इसमें शो नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया है। अब हम चलते हैं करंट असेट्स की तरफ। करंट असेट्स में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम अमाउंट हमारा हमारे पास आएगा। इन्वेंट्री में स्टॉक इन ट्रेड था हमारा 1,40,000 रुपये लिख दिया हमने। ट्रेड रिसीवेबल जिसमें हम सेंडरी डेटर था वो हमारा 60,000 रुपये का था, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा अमाउंट था जिसमें कैश एट बैंक 30,000 रुपये का। इस प्रकार हम इसका भी टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 13,70,000 रुपये। तो इस प्रकार हम आसानी से जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हमारा चैप्टर है ऑफ कंपनीज के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आप भी इसका अभ्यास करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।